और एक खबर यह भी है कि ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट पूरी तरह से सुरक्षित है। ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट पूरी तरह से सुरक्षित है। इस पावर प्लांट में बड़ी संख्या में हथियार रखे गए थे। रूस की मीडिया जब प्लांट के हालात जानने पहुंची तो पता चला कि वहां पर हथियार रखे गए थे। युद्ध के दौरान न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ था। न्यूक्लियर प्लांट के ठीक बाहर वो हमला हुआ था, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। और ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट अब दावा किया जा रहा है कि पूरी तरह से सुरक्षित है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा है। और इन सबके बीच एक और बड़ी खबर है, वो भी अब तक पहुंचाते हैं। युद्ध में काफी तबाही हुई है। खार्किव में रूस के हमले से काफी तबाही हुई है। हर तरफ सिर्फ जले हुए टैंक नजर आ रहे हैं। खार्किव की तस्वीरों की हम बात कर रहे हैं। खार्किव से जो जानकारी मिल रही है वहां पर रूस के हमले में काफी नुकसान पहुंचा है। हर तरफ सिर्फ जले हुए टैंक नजर आ रहे हैं। सेना की गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। खार्किव में कई जगहों पर हमला हुआ है। हमारे साथ इस वक्त आरएस मल्होत्रा जुड़े हुए हैं और टीपी त्यागी साहब जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। पहले आरएस मल्होत्रा साहब, मौजूदा सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, ये सिचुएशन बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है। तीन राउंड की बात हो चुकी है, उसमें कोई नतीजा नहीं आया। कल दोनों के विदेश मंत्री भी मिले थे और जो यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं कुलेबा, उन्होंने तो इतना कह दिया कि बातचीत का कोई खास नतीजा नहीं आया है। और उन्होंने कहा कि जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं लाबरोव, वो जस्ट वहां मिलने आए थे, कोई सलूशन ढूंढने नहीं आए थे। हालांकि जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं लाबरोव, उन्होंने ये जरूर कहा कि ये बातचीत चौथे राउंड की हो सकती है, उसी फ्रेमवर्क में जिस फ्रेमवर्क में तीन दौर की पहले बात हुई है। पर यह बातचीत का दौर जब एक तरफ जारी है तो दूसरी तरफ लड़ाई भी जारी है जी। और जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, वो बात तो कह रहे हैं कि वो नाटो का मेंबरशिप में अब उनकी कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि वो क्रीमिया के ऊपर भी बातचीत करने को तैयार है, पर वो इसके ऊपर कितने हद तक तैयार हैं ये बात अभी समझ नहीं आई है। आपके पास वापस लौट के आता हूँ। टीपी त्यागी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। त्यागी साहब, ये जो अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 15 किलोमीटर की दूरी अब बची है, क्या स्ट्रेटजी रशिया अपना रहा है? देखिए सर, कीव कोई पॉइंट नहीं है। उन्होंने कहा कि सिटी सेंटर से 15 किलोमीटर, एक बड़े शहर का फैलाव ही 15 किलोमीटर से ज्यादा होता है। अर्थात जो रूस के टैंक्स हैं वो इस समय कीव की पेरिफेरी पर है, यानी कि ऑलमोस्ट शहर में है। और तीन जगह से जो उनके बड़े हाईवे हैं शायद वहां से एंट्री करेंगे। अब ये बार बार कहा जा रहा है कि साहब बड़ी मुश्किल है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने लोगों को हथियार दे दिए हैं, अपराधियों को हथियार दे दिए हैं। अगर हथियार दे दिए हैं तो ठीक है, मगर जिन्हें हथियार दिए हैं फिर वो भी तो सैनिक हो गए। अब वो कच्चे बच्चे बरसाती सैनिक जो है वो रूस के सैनिकों के सामने कहाँ ठहरेंगे? बिल्कुल, हमारे साथ एसपी सिन्हा साहब भी जुड़े हुए हैं। सिन्हा साहब, ये ठीक कह रहे थे टीपी त्यागी जी कि आपने सिविलियन को हथियार पकड़ा दिया तो उसमें और सेना में कैसे फर्क करेंगे रूस के सैनिक, लेकिन इस वक्त की सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? एक तरफ पहले कुछ वक्त के लिए सीज फायर किया गया, अब तेजी से सेना आगे बढ़ रही है और ये दावा यूक्रेन या रशिया का नहीं, अमेरिका की सेना की तरफ से दावा है। देखिए, जो जिस तरह से वॉर को मैं देख रहा हूँ कि क्लेम और काउंटर क्लेम और फॉग ऑफ वॉर के में जो पहला कैजुअल्टी होता है वो है सत्य, ट्रुथ का कैजुअल्टी होता है, वही मैं देख रहा हूँ। डे टू पे आपको याद होगा आप ही के चैनल पे कहा जा रहा था कि रशियन टैंक्स 10 किलोमीटर दूर हैं। फिर शाम को बीबीसी का रिपोर्ट था कि रशियन टैंक 30 किलोमीटर दूर हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि यदि डे टू के शाम तक 30 किलोमीटर दूर थे, टैंक की स्पीड होती है 65 किलोमीटर पर आवर, वो पीस टाइम स्पीड है,
बैटल जोन में मान के चलिए 5 से 6 किलोमीटर, मैं 2 किलोमीटर मांगता हूँ, तो 30 किलोमीटर 15 घंटा, तो 3 तारीख के मार्च 3 के रात तक तो विजय हो जाना चाहिए था, हुआ नहीं। आज 16वां दिन है, फिर कहा जा रहा है कि 15 किलोमीटर, तो ये क्या मतलब 13 दिन में सिर्फ 15 किलोमीटर रूस की सेना के टैंक ने कवर किया है, ये विश्वास नहीं। ये पॉइंट है, मैं आऊंगा इस पे आपसे और आगे सवाल करूंगा। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। रूस के टैंकों पर लगातार यूक्रेन के हमले जारी हैं, या ये कहिए कि पलटवार जारी है। ड्रोन से रूसी टैंकों को तबाह करता हुआ यूक्रेन, तस्वीरें भी उसकी सामने आई हैं। यूक्रेन के ड्रोन अटैक की नई तस्वीरें सामने आई हैं और लगातार ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, ऐसा दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। और यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि रूस की सेना को हम हर तरह से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और पिछले कई बार इस तरह की तस्वीरें जारी की गई हैं यूक्रेन की तरफ से, जब रूस की सेना को उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और एक बार फिर से ये जो तस्वीरें आई हैं ये ड्रोन अटैक की तस्वीरें हैं, ड्रोन से हमला किया गया है। ये जो तस्वीरें हैं वो दिखा रही हैं कि किस तरह से टैंक को नुकसान पहुंचाया गया है, रूस की सेना के टैंक को तबाह करने की ये तस्वीरें, जिस पर ड्रोन अटैक किया गया, ये दावा कर रहा है यूक्रेन की उनकी तरफ से हमला किया गया है। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।